क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी नाओ वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड हाउ द मॉरल सेंस इज डिवेलप्ड सिंस हम साइकोलॉजी ऑफ मॉरेलीटी की बात कर रहे थे हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे अंदर ज़मीर किस तरह डिवेलप होता है मॉरल सेंस जो है वो किस तरह परवान चढ़ती है ये जो ज़मीर है जो कॉन्शियस है ये कुछ डिस्टेंट स्टेज़ में परवान चढ़ता है साइको एनालिटिक थेरी ये कहती है कि इसमें तीन एलिमेंट होते हैं एक इड एक ईगो और एक सुपर ईगो इड वो स्टेज है जिसमें बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ अपने प्लेयर को देखता है उसको थकन होगी गीला होगा भूख लगी होगी तो जिस तरह जानवर बिहेव करते हैं कि वो उसी वक्त उस पर एक्ट करते हैं वो रोएंगे वो टांगे मारेगा उसको भूख लगी है तो वो अपना इजहार करेगा वो अपनी जिस्मानी डिज़ायर्स के कंट्रोल में होता है ईगो की स्टेज ये होती है डेवलप होने की कि वो कुछ समझने लगता है कि मेरी बेहतरी किस में है और वो अपनी जज्बात ख्वाहिशात और जिस्मानी ज़रूरियात को कुछ काबू करने लगता है इसकी मिसाल अक्सर फ्रॉइड के यहाँ ऐसे दी जाती है कि इड एक घोड़ा है जिसके ऊपर एक सवार है तो जो ईगो है वो दुनिया में रहने के लिए सरवाइव करने के लिए एक कंट्रोल का नाम है एक सेल्फ के स्ट्रक्चर का नाम है अब उसके लिए कभी आपको अपनी कोई जिस्मानी ज़रूरत पोस्टपोन भी करनी पड़ेगी कभी रोकनी भी पड़ेगी तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेचोरिटी पैदा हो रही है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो रहा है जैसे घोड़े के ऊपर सवार को कंट्रोल होता है सुपर ईगो ये होती है कि माशरे और माँ बाप की तो मुताबिक वो अपनी ज़ात के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर लेता है और तश्कील दे लेता है उस तरह शेप कर लेते हैं ये साइको अनिलसिसिस का एक आइडिया है हम दूसरी थेरी की तरफ चलते हैं कि कॉगनीटि डेवलपमेंट थेरी क्या है उसमें प्री मॉरल जब अभी आप उनको गलत सही का की तरफ जाने का एहसास जो है वो अभी उसकी मेचोरिटी में शामिल नहीं हुआ कन्वेंशनली हमने कोलबर्ग की भी बात की थी पोस्ट कन्वेन्शनल जब वो कन्वेन्शन से निकल के सिर्फ इसलिए कि कौन उसका बड़ा या उसका टीचर या उसके वाला कह रहा है कि ये ठीक है वो लॉ गमेंट असूल जबते कानून को देखने लगता है हॉफमन की ये थेरी है कि वो ये जो स्टेजिज़ हैं डिवेलपमेंट की इनमें जो एम्पथी है यानी लोगों के लिए वैसा महसूस करना जैसा कि वो खुद महसूस कर रहे हैं उसका एहसास करना और उस एम्पति को अपने अंदर समो लेना वो भी स्टेज की तरह स्टेजेस की तरह ही एक मरहले होते हैं अब मॉरल सेंस में जो डिफरेंसेस हैं जो हम पहले भी सवाल उठा रहे थे इसमें एक से दूसरे इंसान में भी फ़र्क होता है इसमें मर्दों और औरतों और में भी फ़र्क होता है और इसमें कल्चर में भी डिफरेंस है लेकिन सबसे कम डिफरेंस जो है वो ये है कि जेंडर के हिसाब से ये डिफरेंस बहुत ही कम होते हैं रोल्स के हिसाब से थोड़े से हो जाते हैं कि क्या चीज़ मर के लिए ठीक है क्या चीज़ औरत के लिए और कई दफ़ा वो किसी रिलीजन की शरिया से भी अटैच्ड होती हैं ये चीज़ें लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं मॉरल सेंस में वो भी एक रिलीजन के अंदर भी आपको मिलेंगे कि उसी मज़हब के लोग हैं लेकिन उनकी मॉरल सेंस एक दूसरे से डिफरेंस है और एक इंसान से दूसरे में तो पाए जाते हैं क्यों होते हैं उनको कैसे सिखाया गया उनको कैसे पाला गया उनके मॉरल बिलीव्स क्या थे वो किस चीज़ को ठीक समझते हुए बड़े हुए जब आपको बड़ा के कोई इंसान किसी अखलाक असूल की ख़िलाफ वर्जी करता नजर आए तो आप क्या सोचते हैं ये है जो आपकी असल असाइनमेंट इसमें से निकलेगी पहला ख्याल क्या आता है आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि इसको किसी ने बताया नहीं या बताया और ये जानता है कि ये बुरा काम है वो फिर भी कर रहा है अब मॉरल्स क्या हमेशा बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप किसी से कहें वो आपको लिख के दे देगा मुझे पता है झूठ बोलना बुरी बात है फिर आप पूछेंगे आपने पिछले छः महीने में कोई झूठ नहीं बोला वो कहेगा हाँ बोला है तो हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है साइकोलॉजी में कि कौन सी चीज़ है जो हमें मना की गई है और कौन सी चीज़ है जो हमें करने को कहा गया है तो जब हमने उस पर लार्ज स्केल सर्वे किया तो जिस चीज़ से मना किया गया था और आप ख़ुद भी वो बात दोहरा रहे होंगे आपको भी इसका जवाब पता है हमने पूछा वो कौन सी चीज है जो करने से मना किया गया लेकिन हम करते हैं उसका जवाब आया झूठ और दूसरा जवाब आया आयाबत अगर नब्बे लोग हैं सौ लोग हैं तो उनमें से शायद कोई तीन चार होंगे जो कहते हैं कि हमने पिछले साल में कोई झूठ नहीं बोला या हमने किसी के पीछे पीछे उसकी कोई बात नहीं की फिर पूछा जा हम पूछते थे कि कौन सी चीज़ें जो करने को कहा गया है और आप वो नहीं करते या बहुत से लोगों से नहीं करते तो उसमें टॉप पे थी नमाज और दूसरे नंबर पे था हलाल के रिज का ख्याल रखना तो ये इसका मतलब है कि वो बिलीव तो करते थे लेकिन उनका बिहेवियर उसके मुताबिक नहीं था लेकिन सिचुएशनल फैक्टर्स में जो है आ, एक रोल प्ले करते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपके मॉरल बिलीफ को सेलियंट हो गए आपको कहा गया कि तुम तो एक अच्छे बच्चे हो या तुम तो एक मुसलमान हो या तुम तो एक अच्छे क्रिश्चियन हो तो आपको सेलियंट हो गया उस सिचुएशन में आप चाहेंगे कि जो आपका फेथ आपको याद दिलाया गया आप उन मॉरल्स के मुताबिक बेहेव करें इसी तरह सोशल सिचुएशन में जहाँ एम्पथी जो हमारी सोशल फीलिंग्स होती हैं उन में अगर आप गिल्टी फील करें आपकी सेल्फ़ इस्टीम उससे इन्वॉल्व हो रही हो या आप एम्पथी की तरफ जाएं, तो उसके हिसाब से भी आप मॉरली ज़्यादा बिहेव करेंगे इखलाकी असूलों के मुताबिक अमल करेंगे